हे गाइस, हाउ आर यू ऑल टुडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज देखिए, मैं ये आपके लिए पैटर्न लेकर आई हूँ। आप इसको बहुत सिंपल और सुंदर तरीके से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे टिक्कियाँ वाले थालपोस में यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा पैटर्न बनता है। आप 4 पीस का काफ़ी बड़ा थालपोस बना सकते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर से थालपोस भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे मैं इसका पार्ट शेयर करूं, थालपोस बनाकर बताऊं, तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, तभी मैं आगे इसका नेक्स्ट पार्ट डालूंगी। वरना आप इसको इस तरीके से भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके से अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से आप इससे कुछ भी बना सकते हैं। आप 4 पीस का थालपोस बना सकते हो, 6 पीस का आप टेबल मैट बना सकते हो, जो आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से बनाना चाहें। तो उम्मीद करूँगी आपको ये थालपोस पसंद आएगा, मेरा बनाने का तरीका भी पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, और मैं अपने इस वाले वीडियो में अपनी स्टिचिंग वीडियो का लिंक भी दे दूंगी, तो प्लीज़ उन वीडियो को भी सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने 3 प्लाई बोल ले लिया, बेबी बोल है, और यहाँ पर ये मेरा 2.5 mm का क्रोशे हुक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैजिकल रिंग बनाऊंगी। जिनको मैजिकल रिंग बनाने में प्रॉब्लम होती है, वो 8 फंदों की चैन यानी 8 फंदों की चैन बनाकर उसकी रिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मैजिकल रिंग बना लेती हूँ। तो हमारे पास ये एक 1 चैन जो है वो आ गई है इस तरीके से। अगेन मैं यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 चैन बनाऊंगी, जो कि हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की होंगी। अगेन हम यहाँ पर 19 यानी 19 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। तो चलिए मैं इसको पूरा करती हूँ, फिर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर टोटल मेरे चैन को काउंट करके हमारे पास 20 डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो हम इसमें इस वाले थ्रेड को खींचेंगे, और ये जो चैन बनाई थी हमने, इसके टॉप पर जाके हम इसको स्लिप नोट कर देंगे इस तरीके से, देखिए। और इसको हम टाइट खींच लेंगे ताकि ये हमारा टाइट हो जाए। इसको बढ़ा करके छोड़ेंगे पहले। पहले मैं इसको सिक्योर कर दूंगी, यहाँ पर एक बार नोट लगा देंगे, बाद में हम इसको कट कर देंगे ताकि ये निकले नहीं। देखिए इस तरीके से, तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा इसको हाइड और कर देती हूँ इस तरीके से। और जो एक्स्ट्रा थ्रेड है आप उसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा थ्रेड हटा दूँगी। अब यहाँ पर देखिए 3 चैन बनाएंगे हम डबल क्रोशिया की हाइट की, 1, 2, 3, और 2 चैन बनाएंगे हम अपने गैप के लिए, 2, यानी यहाँ पर हमने स्पेस देना है। 1 लेंगे, 1 चैन छोड़ेंगे, 2nd चैन से हमने 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरीके से, अगेन 1, 2 चैन लेंगे, 1 लेंगे, 1 स्किप करेंगे, नेक्स्ट से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरीके से आपने राउंड को कंप्लीट करना है। 1 डबल क्रोशिया बनाना है, 2 टाइम चैन लेना है, 1 स्किप करना है, और इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से राउंड कंप्लीट किया है। अब जो हमने यहाँ पर 5 चैन बनाई है, 1, 2, 3rd वाली चैन में हम यहाँ पर इस तरीके से इसको स्लिप नोट कर देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर स्लिप नोट करेंगे, और अगेन यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 चैन बनाएंगे डबल क्रोशिया की हाइट से, सेम प्लेस से 1 टाइम और हम डबल क्रोशिया बना लेंगे 1 टाइम, देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर हमने 2 चैन बनाई थी, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 चैन बनाएंगे, 1 लेंगे, इस क्रोशिए के ऊपर ही यानी जो हमारी डबल क्रोशिया है 1 टाइम, उसी के ऊपर हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरीके से। 1, 2, 3 चैन स्पेस लेंगे, अगेन डबल क्रोशिया के ऊपर से हमने 2 टाइम डबल क्रोशिया, 1, 2, अगेन 1, 2, 3 चैन लेंगे डबल क्रोशिया से, 2 टाइम डबल क्रोशिया, 1 एंड 2। तो इसी तरीके से हमने इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से ये राउंड कंप्लीट हुआ। 1, 2, 3 चैन बना ली हैं हमने, और ये जो चैन बनाई थी स्टार्टिंग में हमने 3 की, उसके टॉप पर हम इसको स्लिप नोट कर देंगे इस तरीके से। अब
ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाए हैं टू टाइम, इसके मिडल में जाएंगे हम, स्लिप नोट करेंगे इस तरीके से, अगेन वन टू थ्री चैन बनाएंगे, सेम प्लेस से टू टाइम डबल क्रोशिया और बनाएंगे, देखिए इस तरीके से वन अगेन टू इस तरीके से, तो टोटल हमारी थ्री डबल क्रोशिया हो गई हैं, अगेन वन टू थ्री फोर चैन स्पेस लेंगे, इसमें जाएंगे हम किसी चैन के ऊपर नहीं बनाएंगे, मिडिल में, मिडिल से हमने वन थ्री सॉरी टू एंड थ्री यानी थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरीके से, वन टू थ्री फोर चैन स्पेस बनाएंगे, अगेन थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसी तरीके से करते हुए हम पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से, तो बहुत प्यारा है, सिंपल सा पैटर्न है, आप यहाँ तक कंप्लीट कीजिए, देखिए ये कंप्लीट हो गया, इस तरीके से फोर की चैन बना ली है, जो हमने चैन बनाई थी स्टार्टिंग में उसके टॉप पर हम इस तरीके से स्लिप नॉट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए पैटर्न चेंज होगा, हम स्लिप नॉट करते हुए अपनी चैन स्पेस में आएंगे, तो अब हमारा पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा, देखिए वन टू थ्री की चैन बनाएंगे, अगेन टू टाइम हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, टोटल थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन चैन बनाएंगे, अगेन सेम प्लेस हमने थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, तो देखिए वन टू एंड थ्री, ओके इस तरीके से बनाएंगे, इस वाले स्पेस में जाने के लिए हमने कोई चैन नहीं लेनी है, अगेन थ्री टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए वन सॉरी टू एंड थ्री सेवन चैन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, अगेन सेम प्लेस थ्री टाइम डबल क्रोशिया, वन टू एंड थ्री, ओके तो इस तरीके से हमने पूरे राउंड में करना है, थ्री टाइम डबल क्रोशिया सेवन चैन थ्री टाइम डबल क्रोशिया, यहाँ पर आपने कोई चैन नहीं लेनी है, तो चलिए इस तरीके से हम करते हैं और अपने राउंड को कंप्लीट करते हैं, देखिए इस तरीके से कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में ऐसे सेम तरीके से हम इसको ज्वाइंट कर देंगे, देखिए अब ये मिडिल में है, थ्री इधर है थ्री इधर है, वन लेंगे कोई चैन नहीं लेनी है, इसमें हम वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, तो इसमें आपने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व यानी बारह डबल क्रोशिया करनी है अपने वर्क को, यहाँ पर देखिए यहाँ से नहीं यहाँ से मिडिल से आपने इस तरीके से स्लिप नोट करना है, देखिए इतनी खूबसूरती से ये आएगा, और अगेन वन लेना है, यहाँ पर हमने स्टार्ट कर देना अपना वर्क, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन एंड ट्वेल्व, ओके सेम तरीके से हम यहाँ पर स्लिप नॉट इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आपने सभी को बना लेना है, तो चलिए मैं बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ से स्टार्ट की थी ना, हम यहीं पर इसको स्लिप नोट कर देंगे, देखिए इस तरीके से वन चैन और लेंगे और इसको हम इस तरीके से छोड़ देंगे, तो देखिए ये प्यारा सा पैटर्न बनके तैयार हो गया है। किस किस को पसंद आया है कमेंट करके बताना ना भूलना, अगर आप चाहते हो कि इसका मैं आगे का पार्ट शेयर करूं तो कमेंट करना ज़रूर, मैं आगे से आपको थालपोस बनाना बताऊंगी। अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से टिक्कियाँ भी बना सकते हैं, ये पैटर्न काफ़ी बड़ा बनता है, अगर आप टिक्की वाला थालपोस बनाना चाहते हैं तो फोर पीस का काफ़ी बड़ा थालपोस बन जाएगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना ना भूलना, चैनल पर पहली बार आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करना,
मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय और टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।